हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो आज की डेट में ऑलरेडी आ चुकी है, यहाँ पर देख लीजिए। वॉरेन बफेट का एक बहुत बड़ा आपने अच्छा खासा कोट पढ़ा होगा, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो यहाँ पर दो स्टॉक्स ऐसे नजर आते हैं जहाँ पर लोग घबराए हुए हैं और अपनी पोजिशन को काट रहे हैं, बट बड़े लोग यहाँ पर गेम प्लान कर रहे हैं और वो इस शेयर को लगभग आपको डबल ले जाते हुए दिखाएंगे। तो इन दोनों शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। जितनी गिरावट होनी थी होगी। रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड अच्छा खासा है, तो यहाँ पर इन शेयर की तरफ नजरें बना सकते हैं और अगले 6 महीने से एक साल के अंदर अंदर अच्छे रिटर्न आपको मिलने की पूरी गुंजाइश है। एज वेल एज बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, दूसरी वीडियोस को जाके देखिए, अच्छा खासा पैसा बनेगा। कल की डेट में आपको भी प्रोवो कही थी 5% डाउन और अच्छा खासा गिरेगा, तो आज गिरता हुआ भी नजर आया। और यहाँ पर 200 हुए शेयर से रिलेटेड हमने बात करी थी, दोनों शेयर यहाँ चलते हुए नजर आए। एज वेल एज यहाँ पर इस पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं। और इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे पैनी स्टॉक से रिलेटेड, 2600 रुपए का स्टॉक्स है। अपर सर्किट लग चुका है, आज मैंने यहाँ पर बाइंग कर लिया था इस पर्टिकुलर शेयर को। और किस तरीके से यहाँ पर आप स्टॉक्स को चुन सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो यहाँ पर वीडियो में सिखाया जाता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे और बहुत मेहनत से अच्छे अच्छे स्टॉक्स चुन के आपके पास लाए जाते हैं ताकि अच्छा पैसा बने। तो लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके शेयर भी करें और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठाइए ताकि हम जो स्टॉक्स अभी आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको एक दिन पहले आपको बता के यहाँ पर आपको पता चल जाएगी एक दिन पहले कि वो शेयर यहाँ पर खरीदना है और अच्छा खासा आपको भागता हुआ दिखाई देगा। कौन सा स्टॉक्स है, अपर सर्किट कौन से स्टॉक्स में लगा है, तो उससे रिलेटेड बातें कर देते हैं। तो जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले, उससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले कंपनी ने अगर हम बात करें तो देखिए, 5 म्यूचुअल फंड यहाँ पर इन्वेस्टेड है ऑलरेडी। इस पर्टिकुलर शेयर की अगर बात करूँ तो 3700 रुपए पे ये 16 जुलाई को गया था, 28 जैन को ये 10 रुपए पे आया था। अभी का प्राइस की बात करूँ 26 रुपए 30 पैसे, 10 का फेस वैल्यू है। एज वेल एज आज की डेट में अगर देखेंगे तो अपर सर्किट ही है यहाँ पर, बट फिर भी लास्ट टाइम शायद किसी ने बेचा होगा, तो यहाँ पर फिर भी देखेंगे 7 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए, जिसमें से 5,21,000 73% के शेयर यहाँ पर क्या किए गए, डिलीवरी बेसिस पे आते हुए दिखाई दिए। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी करती क्या, उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। कंपनी का नाम है इन बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ पर INDB बैंक की अगर हम बात करें तो कंपनी करती क्या है, अब यहाँ पर बैंक देख के लोग कहेंगे कि बैंक से रिलेटेड है, तो बैंक से रिलेटेड ये कंपनी नहीं है। ये कंपनी का नाम क्या है वो देख लीजिए, सर्विसेज लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1989 में आई थी एज ए सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक। तो ये इंडियन बैंक की एक सब्सिडरीज है, बट बैंकिंग का काम नहीं करती, ये काम करती है मर्चेंट बैंकिंग, एडवाइजरी सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्टिविटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो अगर आप बात करें जैसे कि स्टॉक मार्केट में ब्रोकिंग फर्म्स होती है, जैसे CDSL, NSDL है, उसी की तरह का थोड़ा बहुत काम करती हुई दिखाई देती है, उतने बड़े लेवल पर नहीं करती। म्यूचुअल फंड वगैरह ये में इन्वेस्ट कराती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ऑनलाइन, और अगर बात करें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको देती है जैसे कि यहाँ पर सर्विसेज दी जाती है वो सब। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में और जानना है तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी में जाइए, आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए इनके साथ अकाउंट ओपन करा सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन इंटरनेट ट्रेडिंग करते हैं, एक्सेस या और बैक ऑफिस यहाँ पर रीएक्टिवेशन मॉडिफिकेशन यहाँ पर ये सब चीज़ दे रखी है, डेरिवेटिव्स, IPO, म्यूचुअल फंड अनाउंसमेंट, न्यूज़, यहाँ पर सब सारी चीज़ों में काम करते हैं। और सर्विसेज की बात करें तो मर्चेंट बैंकिंग एक एक करके ओपन कर लीजिएगा, एडवाइजरी सर्विसेज की एडवाइस देना और वहाँ पर आपसे चार्जेस करना, स्टॉक ब्रोकिंग, डीपी ऑपरेशन, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, ई सर्विसेज, ये पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इस शेयर को बताने के पीछे क्या रीजन है, 2600 रुपए का पैनी स्टॉक से, देखिए सबसे पहले बताना चाहता हूँ मार्केट कैप 118 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, माइक्रो कैप कंपनी है, बट ऐसी ही कंपनी आगे चल के स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप बनती है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। कंपनी परफॉर्म करेगी तो कंपनी अच्छा खासा पैसा कमाएगी, अच्छा खासा भागेगी, बट अगर कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा नहीं बनाएगी। तो आज के डेट में देखेंगे तो देखिए 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, तो यहाँ पर मैंने ये 2505 पैसे पे ये शेयर पर खरीदा है, लगभग 2500 रुपए में शेयर खरीदते हुए नजर आया हूँ। तो PE 18 का PE है, 10 और 6 का यहाँ पर ROE, CROE है, डेट फ्री कंपनी है,
ओके ये सबसे बड़ी बात है कि कंपनी डेट फ्री हो। यहाँ पर देखिए 3700 रुपए से शेयर यहाँ पर अच्छा खासा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर बात करें इंट्रेंसिक वैल्यू 2400 रुपए उसी के आसपास शेयर यहाँ पर ट्रेड भी कर रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है, शेयर यहाँ पर 2005 में था, उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर भागा भाग के लगभग 40-50 रुपए गया, और फिर उसके बाद शेयर यहाँ पर गिरावट हुई, फिर यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है, और शेयर देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से भागा था, फिर यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनाया और फिर नीचे आता हुआ दिखाई दिया और दोबारा ऊपर जाने की पूरी कोशिश है, और यहाँ पर इस बार शेयर यहाँ पर आपको ऑल टाइम हाई है जो 3700 रुपए जो इसका ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई है वो पार करेगा, और उसके बाद मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा। क्यों जाता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है वो बात कर लेते हैं। कंपनी के देखिए कल की डेट में यहाँ पर रिजल्ट आए थे, कंपनी के रिजल्ट काफी बेहतरीन थे, कंपनी की यहाँ पर बात करेंगे तो, और कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पर कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। सेल्स देखिए 1.89 करोड़ रुपए की सेल थी, ओके यहाँ बढ़ी, यहाँ पर पैंडमिक का कुछ असर था, फिर उसके बाद कंपनी देखिए कंटिन्यूअस बेस पे यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, और इस बार की जो सेल्स है 5.46 करोड़ रुपीज की है, मतलब हाईएस्ट एवर सेल्स है। इसके अलावा कंपनी के यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के थोड़े से एक्सपेंस यहाँ पर ज़्यादा होते हुए दिखाई दिए, ओके यहाँ पर अगर बात करें 6 एम्प्लॉयज कॉस्ट थोड़ी सी कम कर दी 6.37 है, बट यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कुछ और पॉइंट देखेंगे तो कंपनी की अदर इनकम इन द सेंस कंपनी का जो ब्रोकिंग फर्म से या फिर जैसे भी यहाँ पर आते हैं ये सब कुछ इंक्लूड करना ही है क्योंकि वो भी एक इनका पार्टी है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी एक कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, और यहाँ पर प्रॉफिट देखते रहेंगे तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट लगभग 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है जो कि ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। इसके अलावा कंपनी की ग्रोथ यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर एक दायरे में सीमित नजर आती है, ओके बट यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी जो स्टार्टिंग में घाटे में चल रही थी उसका प्रॉफिट पिछले 12 महीने की बात करें या फिर लास्ट क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के बारे में यहाँ पर नजर आती है। रिजर्व्स की बात करें कंपनी का रिजर्व्स यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर ये पैनी स्टॉक्स है, यहाँ पर देखिए 6 करोड़ रुपए से जो नेगेटिव में था कभी आज की डेट में 22 करोड़ रुपए का रिजर्व्स है। कंपनी डेट फ्री है और कंपनी डेट फ्री है तो उस चीज का फायदा उसे सिंपल दिखाई देता है, ओके शेयर कैपिटल की बात करें लगभग 44 करोड़ रुपीज का यहाँ पर शेयर कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट 95 लाख का है, कैश की बात करें 36 करोड़ रुपए का कैश भी है। देखिए कैश रिच कंपनी है, रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बोरिंग यहाँ पर कंपनी के पास नहीं है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे खासे आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर नजर आते हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी के जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है, आरओसी यहाँ पर कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, एज वेल एज प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है 64.84% की यहाँ पर होल्डिंग नजर आती है जो कि किसके पास है, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक आपको पता ही है एक बेहतरीन शेयर है। डीआईएस की बात करें कुछ खास नहीं है 0.09% है, और यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का 35% के शेयर नजर आते हैं, और 35 में भी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर की बात करें तो कॉर्पोरेट अफेयर की बात करें तो 2.4% के शेयर इनके पास नजर आते हैं, तो 33% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है, 33 या फिर 32.5% की हिस्सेदारी किसके पास, पब्लिक के पास नजर आती है। तो यहाँ पर अगर बात करें थोड़ी सी हिस्सेदारी है थोड़ी सी, और कंपनी की मार्केट कैप कितनी है 118 करोड़, और अगर हम यहाँ पर बात करें ऑपरेटर ऐसे शेयर को कभी भी कहीं पर भी ले जा सकते हैं, और ऐसे ही शेयर आपने देखे भी होंगे मल्टी बैगर बनते हुए दिखाई दिए, जैसे कि अगर मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स के रिलेटेड बता सकता हूं, जैसे कि मैंने आपको एक पेनी स्टॉक्स दिया था जो आज तक अपर सर्किट में लगता हुआ नजर आ रहा है, लगभग कितने बेहतरीन रिटर्न दे चुका है 169% से ज्यादा के रिटर्न, यहाँ पर आपके पैसे को 200% के लगभग कर चुका है। यहाँ पर देखिए कंपनी 200% के रिटर्न्स यहाँ पर दे चुकी है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक्स बताया था, यहाँ पर देखिए 3 दिन से 4 दिन से यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है, ओके और यहाँ पर आज भी अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया, और ये अभी और ऊपर जाएगा, और देखिए इसी तरीके से भागा भी था तो यहाँ पर मौका भी मिलता हुआ नजर आता है, कंपनी भागती भी है और इसी तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, परफॉर्मेंस के बेस पे ये शेयर यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसी के हिसाब से यहाँ पर एक और मल्टी बैगर स्टॉक्स कह सकते हैं या पेनी स्टॉक्स कह सकते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है और भी ज्यादा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। आज के डेट में यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से अकल निकलता है इस लेवल को, तो अगर इस लेवल को दोबारा निकालता है तो देखिए यहाँ तक पहुंचता है 27.65 रुपए, यहाँ पर अगर मैं बात बताता हूँ यहाँ पर 27.80 रुपए, 27.80 रुपए को अगर ये यहाँ पर क्रॉस करता है तो याद रखिए एक बेहतरीन यहाँ पर इसमें रैली होती हुई नजर आएगी जो इस शेयर को कहां पर ले जाएगी, जो इस शेयर को ले जाएगी इसके टारगेट की तरफ
जो कि मेरा मेरा टारगेट नजर आता है कितना, यहाँ पर जो इसका ऑल टाइम हाई, यहाँ पर 52 वीक हाई है, लगभग यहाँ से भी 40%, ओके 10% तो आज भाग गया, यहाँ से भी 40%, और यहाँ पर लॉस की बात की जाए ना, रिस्क कितना था, तो इसी देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो पैसा बनता हुआ नजर आएगा। रिस्क कितना था, रिस्क था 15% का, प्रॉफिट कितना था 50% का, तो 15% का रिस्क, वो भी रिस्क कितना कि थोड़े बहुत टाइम में वो रिकवर हो जाता, बट प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 40 प्लस में 10% आज भाग गया तो 50%, तो यहाँ पर 50% का प्रॉफिट, थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क, तो यहाँ पर शेयर अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, बट शेयर यहाँ पर रुकने नहीं वाला। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके एक अच्छे टारगेट की, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं राउंडिंग बॉटम इसने बनाया, ओके राउंडिंग बॉटम बना के चीजें यहाँ पर नीचे आई, ओके और नीचे आके यहाँ पर दोबारा यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट, जो कि हाईएस्ट एवर इसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो हाईएस्ट एवर जब रिजल्ट आते हैं तो मैं हमेशा बताता हूँ कि ये शेयर अच्छे खासे तरीके से भागते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कप बनाता हुआ नजर आ रहा है, और कप बनाने के बाद यहाँ पर क्या बन रहा है, एक हैंडल। अगर यहाँ से इस लेवल जो हमारा पहले टारगेट है 40% का वो अचीव होके अगर ये ऊपर निकलता है तो याद रखिएगा थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और एक आध क्वार्टर के शायद आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर एक और क्वार्टर के रिजल्ट और अच्छे आते हैं तो याद रखिए ये शेयर कहाँ जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। या ऑपरेटर के ऊपर है, ऑपरेटर अगर चाहे तो अभी भी 3 महीने हैं इसके रिजल्ट में, 3 महीने में शायद इस पर्टिकुलर शेयर को ये कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस शेयर की, तो यहाँ पर टारगेट कितने नजर आते हैं उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं, तो इसके जो टारगेट नजर आते हैं वो नजर आते हैं यहाँ पर 68% के, समझ रहे 68% के टारगेट नजर आते हैं यहाँ से, और यहाँ से 40%, तो आपके पैसे यहाँ पर क्या हो गए डबल, तो यहाँ पर पैसे आपके डबल होते हुए नजर आते हैं, लगभग 160% के यहाँ पर रिटर्न, मतलब 68 रुपये तक ये पर्टिकुलर शेयर जा सकता है, तो 108 यहाँ पर 68 रुपये के लिए यहाँ पर दाव लगा सकते हैं, ओके। और जिस तरीके से शेयर पेनी स्टॉक्स भागते हैं वो आप यहाँ देख सकते हो, और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी अच्छे खासे दोबारा आने शुरू हो गए, और एक बार दोबारा वॉल्यूम आए तो चीजें ऐसी निकलेगी 10-10% करके चीजें ऊपर जाएगी। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है आपको, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और जितना हो सके हमें सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करें। ये पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और इस तरीके के बेहतरीन शेयर और जल्दी पकड़ने के लिए ये पर्टिकुलर नंबर है, तो इस पे हमें कांटेक्ट करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।